महाराष्ट्र के औरंगाबाद और ठाणे से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के 9 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में एटीएस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को पूछताछ में 12 और संदिग्ध आतंकियों के बारे में हम सुराग मिला है, जिनके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू हो गई है। यही नहीं, सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि पूछताछ के दौरान संदिग्ध आतंकियों ने मुंबई, ठाणे, कल्याण और औरंगाबाद में पानी सप्लाई करने वाली लाइनों और पानी के टैंकों की भी रेकी की थी, जिसका मकसद इन जगहों पर केमिकल डालकर बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारना था। दिल्ली में पकड़े गए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से अहम जानकारी मिली है। जैश के पकड़े गए आतंकी और जिला कमांडर लतीफ ने दिल्ली के दरियागंज में एक प्रिंटिंग प्रेस में जैश ए मोहम्मद के लेटरहेड और पैम्पलेट छपवाने का ऑर्डर दिया था। उसने कुछ लेटरहेड निकलवाए भी थे। आतंकियों की लेटरहेड और पैम्पलेट हमले वाली जगह छोड़ने की साजिश थी। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने प्रियंका गांधी के राजनीति में आने के फैसले की तारीफ की है। साथ ही गांधी परिवार की तारीफ करते हुए कहा है कि गांधी परिवार ही 2019 में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से छूने से रोक सकता है। शिवसेना के सामना में प्रियंका की तुलना उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की गई है। सामना में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। प्रियंका अच्छा काम कर सकती है, वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह हुक्म की रानी साबित हो सकती है। राहुल गांधी असफल हुए, इसीलिए प्रियंका को लाना पड़ा। ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं जिसमें दम नहीं है। देखिए, कार्यकर्ताओं का उमंग, जोश और जो उत्साह है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के एंट्री से, वो इन पोस्टर्स के जरिए जाहिर कर रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि जब उमंग इतनी ज़्यादा है, कार्य क्षमता इतनी ज़्यादा है और उम्मीद इतनी ज़्यादा है, तो उस समय पर इस तरीके का माहौल बन सकता है। और ख़ास करके आज उत्तर प्रदेश की जनता में भी एक बहुत ही उत्साह का माहौल है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी चुनौती देकर उभरेगी। इसमें क्या आश्चर्य है, कांग्रेस के लोग तो इसके अलावा क्या चाहेंगे? प्रियंका गांधी के लिए चाहेंगे, राहुल गांधी के लिए चाहेंगे, बाकी लोग जमीन के चाटेंगे? वहाँ तो राजा और रंग की कहानी है, एक राजा है बाकी सब रंग है। तो वहाँ तो सिर्फ यशोगान गाना है राजा का। प्रियंका जी के ताल्लुक से ये भावना उत्तर प्रदेश की कई कंस्टिट्यूएंसीज में है और लोग ऐसा कह रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल तवक्के है और लोग ऐसा कहेंगे और आगे भी कहेंगे और जगहों से भी डिमांड आएगी, लेकिन ये फैसला तो उनको ही करना है। प्रियंका पहले भी चुनावों में उन्होंने हिस्सा लिया, प्रचार किया है, अब परिवार है। आज प्रियंका जनरल सेक्रेटरी बनी है, कल उनके बच्चे जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, तो परिवार की पार्टी के बारे में हमें कुछ टिप्पणी नहीं करनी। परिवार क्या करता है क्या नहीं करता, जनता की पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश के गठबंधन में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आइसोलेट हुई और राष्ट्रीय स्तर पर छत्रपों ने जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया, उसी की वजह से प्रियंका जी की राजनीति में एंट्री हुई। पूरब वाले पूछेंगे कि राव हस्बैंड रावट बढ़ेरा इतना जो लूट मार कैले किसान के कहाँ गए, अब इसका जवाब देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ रावट बढ़ेरा से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं और उस सवालों का जवाब प्रियंका वढ़ेरा जी से इसलिए भी मांगा जाएगा क्योंकि प्रियंका जी क्यों चुपचाप देखते रहे उन सारे लूट को। तो उनकी पत्नी है रावत बढ़ेरा की, तो पति ने अगर चोरी की है तो पत्नी अगर कुछ नहीं बोली तो मतलब साथी है। तो ये पूरब वालों को सब याद है। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है, लेकिन उनकी पार्टी को तय करना है और मुझे लगता है कांग्रेस इतना बड़ा जोखिम नहीं ले पाएगी, इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, जो उन्होंने कार्य किए हैं और देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में
जिस तरीके से जनता उनको बेतहाशा प्यार करती है, कांग्रेस प्रियंका गांधी के राजनीति में आने के साथ उनको चुनाव हरवा कर ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना।